एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, एकदम शानदार। सो मैं दीपेंद्र सिंह नरूपा, आप सभी लोगों का नरूपा सर, आप सभी लोग स्वागत करता हूँ ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म के ऊपर। और बच्चों बता दूं, मैंने कोटा में काफी लंबे टाइम तक पढ़ाया है, यहाँ पे देख सकते हो। तो उसी के बेसिस पे आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाला हूँ। नीट 2022 के फिजिक्स के एग्जाम में हम किस प्रकार से फोड़ सकते हैं, किस प्रकार से एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज के ऊपर हम ध्यान रख सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग नहीं, समझ लीजिए 90% लोग इसको इग्नोर ही करते हैं, और जो 10% लोग होते हैं ना वो इसको इग्नोर नहीं करते हैं, और अधिकतर वही लोग होते हैं जो टॉप करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है के ऊपर मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज एक्टिव प्रैक्टिस। अब ये एक्टिव प्रैक्टिस क्या है या फिर ये किस प्रकार से काम करती है? देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपको एंड टाइम पर ही हेल्प करेगी। मैं हमारा मई चल रहा है, और मई में भी हमारा अभी ना 13th of May हो चुका है, एक मैं चेक कर लूँ, 13th ही हुआ है ना? हाँ, 13th of May हो चुका है, ठीक है। तो कहता है, हाँ, 13th of May से अभी हमारा जो एग्जाम है नीट का, वो एग्जैक्टली 2 months दूर है, मतलब 2 महीने दूर है, 3 4 दिन एक्स्ट्रा मान लीजिए, मतलब हमारे पास लगभग 60 दिन। अब हमको क्या करना है, इन 60 दिनों में आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, एक ऐसी जबरदस्त चीज बताने वाला हूँ जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको जो भी बातें बताता हूँ, जितनी भी बातें बताता हूँ, सारी बहुत रिसर्च बेस्ड है, और मैंने कोटा में जो 8 9 साल तक लगातार पढ़ाया है, मतलब ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं, पर 8 9 साल ऐसा मान लीजिए कि जिसका एक्सपीरियंस, मतलब ओवरऑल एक काउंटेबल एक्सपीरियंस, जिसमें बच्चों के साथ में मैंने काम किया है, ठीक है। वो भी एक एक क्लास के अंदर 300 300 400 400 बच्चे यहाँ पे हुआ करते हैं, 250 बच्चे तो समझ लीजिए कि मिनिमम हुआ करते हैं क्लास के अंदर। तो ऐसी क्लासेस के अंदर पढ़ा के जो एक्सपीरियंस गेन किया है, जिस प्रकार से सीखा है कि भैया नीट के बच्चों को क्या चीज चाहिए, जेई के बच्चों को क्या चीज चाहिए, उसी के बेसिस पे मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। ध्यान सुनिएगा बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें एक्टिव प्रैक्टिस, बेसिकली होता क्या है, देख समझ, एक्टिव प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है भाई। हम लोगों का एग्जाम जो होगा वो 2 से लेके 5 बजे के बीच, ठीक है, ये हमारा एग्जाम टाइम। तो हम लोगों को क्या करना है ना कि टाइम को, पर्टिकुलर टाइम को है ना, हम लोगों को बहुत ज्यादा एफिशिएंट बनाना है। देखो एक बात समझिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे शरीर में एक ऐसी प्रवृत्ति होती है, अगर हम किसी चीज की आदत डाल लेना, फिर उस चीज को, उस काम को करने में हम लोग बहुत आसानी से, मतलब उस काम को करते हैं, बहुत कम हमारे एफर्ट्स लगते हैं। जैसे ड्राइविंग हम करते हैं, स्टार्टिंग में ड्राइविंग करते वक्त हम लोगों को बहुत कष्ट होता है, बहुत दिक्कतें होती है, बहुत परेशानियां आती है, लेकिन जब हम सीख जाते हैं तो हमारा गियर भी कब चेंज हो रहा होता है, सब कुछ सबकॉन्शियसली चल रहा होता है, इवन हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं रखते हैं। एक और बात ऐसी है कि हम जब ड्राइविंग करते हैं ना, तो एक पर्टिकुलर रोड पे अगर हम बार बार ड्राइविंग करते हैं ना, तो हम लोग सबकॉन्शियसली, मतलब बिना वहां पर देखे भी, इतना ज्यादा वहां पे एक्टिव रहते हैं, मतलब समझ लीजिए कि इतने ज्यादा एक्टिव रहते हैं ऑटोमेटिकली, कि खड्डा भी आ रहा होता है उससे बचा के निकल लेते हैं, जबकि हम लोग कॉन्शियसली देख नहीं रहे होते हैं। तो एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, मतलब बहुत प्रॉपर्टी क्या है, बहुत बड़ी है, हमारा एक बहुत अच्छी चीज है ह्यूमन बॉडी के अंदर, इसको हम यूज करेंगे बच्चों एक्टिव प्रैक्टिस। किस प्रकार से, हमको अपने आप को ऑटोमेट करना है, हमको 2 से 5 के बीच में अपने आप को मोस्ट एफिशिएंट टाइम के हिसाब से ऑटोमेट करना है, कि मेरे जिंदगी का, मेरे दिन का सबसे ज्यादा जो एफिशिएंट समय होता है वो दिन में 2 से 5 के बीच में। क्या है? जरूरी है, जरूरी है कि नहीं है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या है? जरूरी है 2 से 5 के बीच में तुम बहुत एफिशिएंटली वर्क करो। तुम कहते हो कि सर हमारी एफिशिएंट सुबह 4 बजे आती है, क्या फायदा भाई, एग्जाम तो दिन में 2 बजे होगा ना, एग्जाम 2 से 5 के बीच में होगा ना। मैं कहता हूँ 2 से 5 के बीच में पढ़ ले, बच्चा कहता सर नींद आती है, खाना खा के आते हैं, क्या फायदा भैया, तुम्हारी एफिशिएंसी भले ही रात को अच्छी है, पर एग्जाम तो तुमको 2 से 5 के बीच में देना है ना, तुम उस दिन बहुत ज्यादा कष्ट करो, उससे बढ़िया है कि अपने आप को एफिशिएंट बनाओ। उसके लिए क्या करना है, हमको 2 से 5 के एग्जाम टाइम को बहुत ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए बच्चों आप कुछ एड ऑन करना शुरू करो। सबसे पहले 2 से 5 के बीच में हमको डेली एक क्या करना है, PYQ सोल्व करने हैं, MCQ सोल्व करने हैं, एंड कोशिश कीजिए कि फिजिक्स के 45 PYQ या 50 मान लीजिए है ना, केमिस्ट्री के 50, और हमारे 100 क्वेश्चंस किसके होंगे, बायोलॉजी के। इसी प्रकार से हमको क्वेश्चन सोल्व करना है, PYQs कर लो या MCQs कर लो, ज्यादा बेटर है कि आप MCQs करो, कोई ऐसे जो एग्जाम में नहीं आए हुए PYQs मत करो। इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि PYQs हमने रटे हुए हैं, हमको उनके आंसर्स याद है, और याद किए हुए आंसर्स को बार बार लगाने से कोई खास फायदा नहीं है, इसलिए आप ज्यादा बेटर है कि MCQs पे फोकस कीजिए, नए नए MCQs के ऊपर।
अच्छे अच्छे बुक से उठाए हुए एमसीक्यूज पे अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है तो आप मुझसे जुड़िए टेलीग्राम पे आके, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा बढ़िया से बढ़िया। ठीक है, हम बात करते हैं साहब 2 से 5 के बीच में, तो क्वेश्चन हमको करने बहुत ज्यादा। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, देखो हम घर में कैसे पढ़ रहे होते हैं, जो भी लोग भी एफिशिएंट है, जिनके पास ठीक ठाक सा पैसा है या बढ़िया पैसा है, जो पैसे वाले हैं, जिनके पेरेंट्स उनको अच्छे अच्छी सुविधा दे रहे हैं, तो वो एसी में बैठ के पढ़ रहे होते हैं। आप ये समझिए बच्चों, एग्जाम के दिन आपको एसी नहीं मिलेगा। मैं एक एक पॉइंट फोकस करके सुनिएगा और एक एक पॉइंट का नोट्स बनाइएगा। आपको एग्जाम के दिन एसी नहीं मिलेगा, तो आप घर में अगर एसी में पढ़ रहे हैं तो आप 2 से 5 के बीच में उस दिन जब नॉन एसी में पढ़ो एग्जाम दोगे तो आपको कष्ट होगा, तो आपको उस कष्ट की आदत आज ही डाल लेनी है। समझ गए ना? इसलिए 2 से 5 का बीच का जो टाइम होगा, चाहे कितनी भी गर्मी हो रही हो, कितना भी पसीना आ रहा हो, चाहे पसीना टपक टपक के कॉपी पे गिर रहे हो, लेकिन आप एग्जाम के ये 2 से 5 के बीच की जो प्रैक्टिस है वो बिना एसी के करेंगे एंड पंखे को भी कम करके करेंगे। दूसरी बात, पंखे के एकदम नीचे नहीं बैठेंगे क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है आपको सरकारी स्कूल में एक ऐसा रूम मिले जहां पे 2 ही पंखे हैं और आप एकदम लास्ट में बैठो जहां कोई हवा नहीं आ रही हो, पसीने आ रहे हो। तीसरी बात, आपका एग्जाम जो जुलाई में होने वाला है उस समय ऑलमोस्ट इंडिया में कई जगहों पे बारिश स्टार्ट हो जाएगी और बारिश के साथ में हो सकता है कि वहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाए और ह्यूमिडिटी के टाइम पर और ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है पसीने की या फिर इन सब चीजों की। इसीलिए आप अभी से आदत डाल लीजिए इस प्रकार से एग्जाम देना। मैं लिटरली अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ बच्चों, मैं एग्जाम दे रहा था, मेरे सर से पसीना टपक टपक के कॉपी के ऊपर गिर रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को है ना उस समय इतनी परेशानी ना हो, उसमें इरिटेशन ना हो कि यार मैं कैसी कंडीशन में एग्जाम दे रहा हूँ, मेरे को बेस्ट से बेस्ट मतलब बेस्ट से बेस्ट एफिशिएंसी अगर निकालनी है तो मुझे उस कंडीशन की आदत होनी चाहिए। आई शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि भैया ऐसा हो सकता है। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था जिसने पिछले साल एग्जाम दिया था, उसका कहना था सर एग्जाम स्टार्ट होने के 15 मिनट तक हमारे जो रूम के अंदर एग्जामिनर थे ना, वो लोग सिर्फ और सिर्फ उन लोग समय खराब कर रहे थे। ठीक है, 15 मिनट उन्होंने खराब कर दिया हमारे, 15 मिनट। अब वो क्या रीजन रहा क्या रीजन नहीं रहा वो सब यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन किसी ना किसी मेजर इश्यू की वजह से 15 मिनट खराब हो गए और 15 मिनट खराब होने के बाद जाके बच्चों का पेपर चालू हो पाया ढंग से, और एग्जैक्ट उन्होंने 3 घंटे बाद मतलब एग्जैक्ट उन्होंने 2 घंटे 45 मिनट में एग्जाम पेपर वापस ले लिया। एग्जाम तो वापस लेने का समय तो वही है लेकिन शुरू का समय उसने खराब कर दिया। अब 15 मिनट अपने आप में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, लेकिन वो बच्चे शिकायत किससे करेंगे? सोच के देखो, क्या उनकी शिकायत से दोबारा नीट होगा? नहीं। क्या उनकी शिकायत से उस समय नीट रुक जाता? नहीं। क्या अगर वो उस समय शिकायत करने के लिए बाहर चले जाते तो क्या उनका और ज्यादा समय खराब नहीं हो जाता? बिल्कुल हो जाता। तो क्या करते? नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जो यहाँ पर होती ही होती है कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी कोने में। अगर आप उसके अंदर झांसे में आ गए, अगर आप उसमें फंस गए बच्चों, तो आपका भी समय खराब हो जाएगा किसी ना किसी कारण से। कुछ भी हो सकता है कारण, जरूरी नहीं है कि उसके पीछे कोई वैलिड रीजन ही हो, सकता है कोई इनवैलिड रीजन, कोई फालतू की चीज के चक्कर में आपका समय खराब हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो एग्जाम है हम 2 से 5 के बीच में दे रहे हैं, लेकिन नहीं, 3 घंटे की जगह आप प्रैक्टिस कितने घंटे में करो? आप जो 200 क्वेश्चन करने वाले, 200 में से 180 क्वेश्चन करने वाले हो, वो आप कीजिए 2 घंटे 45 मिनट की प्रैक्टिस करनी है। मतलब आपको 2 hours 45 minutes की प्रैक्टिस करनी है। आपको कोशिश करना है कि आपको 2 घंटे 45 मिनट में ही उस पेपर को निमटा देना है। सोचो अगर आपको एग्जाम में पूरे 3 घंटे मिल भी गए, मतलब मिलेंगे सही 90% चांसेस की मिलेंगे, 99% चांसेस की मिलेंगे, वो तो 1% पॉसिबिलिटी के हिसाब से बोल रहा हूँ, बट फिर भी आप जब 2 घंटे 45 मिनट की प्रैक्टिस कर चुके होंगे ना, तो सोचो आप 3 घंटे में कितना रिलैक्स होकर कितने बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब आप PYQs नहीं कर रहे होंगे और जब आप नए नए MCQs कर रहे होंगे ना, तो आपको नए क्वेश्चंस उठाने की प्रैक्टिस रहेगी। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड थिंग बच्चों, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, तुम जब भी प्रैक्टिस करो फॉर्मूला शीट को सामने रख के करो ताकि समय खराब ना हो। लेकिन 2 से 5 के बीच में आपको फॉर्मूला शीट को सामने नहीं रखना है। 2 से 5 के बीच में आपको बिना फॉर्मूला शीट के ही क्वेश्चन करने हैं। आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है जो मेमोरी बेस्ड होने वाली है। गेटिंग माई पॉइंट? तो कितने पॉइंट हो गए यहाँ पर? ये एक पॉइंट तो ये हो गया कि भैया एग्जाम जैसा माहौल बनाना हम लोगों को। दूसरी चीज क्या हो गया हम लोगों के पास में, हो गया कि भैया हम लोगों को एग्जाम कम समय के अंदर देना है, फॉर्मूला शीट से नहीं करना है, एग्जाम मेमोरी बेस्ड पे करना है। तीसरी बात, सारे कंफर्ट जो भी आपके पास पैरामीटर से उन सबको हटा दीजिए। गद्दीदार कुर्सी है, पापा ने एपेक्स की चेयर दिलाई है 15,000 की? नहीं भैया, आप गेमिंग नहीं कर रहे हैं, आप एग्जाम देने वाले हैं जो इस सरकारी स्कूल में फंटे के ऊपर आप बैठ के देंगे। हो सकता है फंटा भी ढंग का ना हो, उसमें बीच में भी कट लगा हुआ हो। ठीक है, प्लीज एक ऐसे चेयर पे बैठ के एग्जाम दीजिए जो डिस्कम्फर्ट जिसके अंदर हो।
दो से पांच के बीच में है ना, हमको ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि चाहे कितने भी लेवल का डिस्कम्फर्ट क्यों ना हो जाए, मेरा एफिशिएंसी में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं एक ऐसे पैरामीटर के ऊपर बात कर रहा हूँ उसमें शायद ही कोई लोग बात करते हो यूट्यूब के ऊपर। बच्चों, गेटिंग माय पॉइंट? आप सोच भी रहेंगे कितना अलग और हटके ये टॉपिक है। दूसरी बात हम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि जब हम लोग एग्जाम देने जा रहे होते हैं ना, जब हम लोग एग्जाम देने जा रहे होते हैं, तो उस दिन क्या होता है कि हम लोग जैसे लेट सपोज कि हमने 2 बजे एग्जाम, सपोज हमको 2 से 5 के बीच में एग्जाम देना है। अब 2 से 5 के बीच का टाइम ऐसा होता है बच्चों, जो बहुत ज्यादा जिसके अंदर इंसान थका हुआ महसूस करता है। अगर मुझसे ही पूछोगे तो मुझे भी 2 से 5 के बीच में नींद सी आ रही होती है, स्पेशली 2 से 3 के बीच में। बाद में तो ठीक है, थोड़ा चल जाता है, भाई 2 बजे का जो टाइम होता है बड़ा अजीब सा होता है। अपन लंच डिनर विनर सॉरी लंच करते हैं 1-1.5 बजे के आसपास, और उसके बाद फिर नींद जैसा माहौल हो जाता है। तो यार मैं आपको अपना एक टाइम टेबल बताता हूँ जो मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ काफी टाइम से, है ना। मैं खाना सुबह 10-11 बजे खा लेता हूँ, यही मेरा समय है। तो जल्दी मैं अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, 10-11 बजे खाना खा लेता हूँ। 1-2 बजे के आसपास जो डिनर लंच वाला टाइम होता है ना, वो मेरा नहीं होता, वो मेरा सीधा शाम का खाना होता है 5-6 बजे के आसपास। बीच में हल्का फुल्का कुछ ना कुछ चल रहा होता है, लेकिन शाम का खाना होता है 5-6 बजे 7 बजे के आसपास। एक तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए बहुत अच्छा है, दूसरी बात क्या है कि आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तीसरी बात क्या है कि आपको 2 बजे के आसपास जो नींद आती है वो नहीं आएगी। इस बात का भी आपको विशेष तौर पर ख्याल रखना है कि अब अपनी इस हैबिट को चेंज करना है कि आपको 2 से 5 के बीच में अपने आप को बेस्ट एफिशिएंट पर्सन बनाना है। तो क्या करना है? बेस्ट एफिशिएंट पर्सन बनाना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाई मैं कह रहा हूँ बच्चों आपको कि ये बात आपको समझनी है कि किस प्रकार से हम बहुत बढ़िया तरीके से एग्जाम दें, उसके लिए हम किस प्रकार से बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को तैयार करें एग्जाम के लिए। तो यार ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट्स के ऊपर आपको फोकस करना है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे जो शायद पूछता है कि मतलब ऐसी बहुत सारी आकस्मिक कंडीशंस होंगी जो मैंने कवर नहीं करी होंगी, लेकिन आप ये समझ के चलिए कि आपको वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशंस के अंदर भी एग्जाम दे सके आप, उसके लिए आपको तैयार करना है। घर में बच्चा क्या करता है ना, निक्कर पहन के टेस्ट देता है, पढ़ाई करता है। अबे तुम सोच के देखो, तुम जो एग्जाम दोगे 17 जुलाई, उस दिन निक्कर नहीं पहन चुके होंगे, पैंट पहन के बैठे होंगे, तो भाई साहब पैंट पहन के एग्जाम दीजिए। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स है जो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। सर क्या फर्क पड़ता है? अरे निक्कर में तुम नेक्स्ट लेवल कंफर्ट में रहते हो यार, तुमको वहां पे एग्जाम देना है, आपको डिस्कम्फर्ट कंडीशन में एग्जाम देना है बहुत ज्यादा। एक और बताता हूँ मैं आपको, 2 से 5 के बीच में जब पढ़ रहा होता है ना, तो पेरेंट्स के सामने से चिल्ला के बोलता है, आप लोग सब धीरे बोलिए, मेरा एग्जाम चल रहा है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा। तो सोच के देख, रियल लाइफ में एग्जाम हो रहा होगा नीट का 17 जुलाई को, सोच अगर तुम्हारा जो सेंटर है वो एक ऐसी जगह पे आ गया जिसके आसपास कोई मार्केट है, सब्जी ले लो सब्जी, गन्ने का जूस गन्ने का जूस गन्ने का जूस, सब्जी ले लो सब्जी, ऐसी ऐसी आवाजें आपको आ रही होंगी, कैसे बचोगे उससे? नहीं बच सकते ना। तो ऐसी कंडीशंस में एग्जाम देने की प्रैक्टिस की, कुछ भी शोर शराबा हो रहा हो प्लीज उसको अवॉइड कीजिए। और मतलब उस चीज के ऊपर ध्यान मत दीजिए कि मैं शोर शराबे में अपनी प्रैक्टिस कैसे करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे को प्रैक्टिस इसी चीज की करनी है कि बेस्ट से बेस्ट मैं एफिशिएंसी निकाल सकूं वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में। गेटिंग माय पॉइंट? तो मेरा पॉइंट अगर आपको ढंग से समझ में आया हो बच्चों, बढ़िया लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में और भी ऐसी वर्स्ट कंडीशंस के बारे में आप जरूर बताइएगा, या आपको इस प्रकार के और भी वीडियोस अगर चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आप लोगों के लिए मैं आपके पास में आता रहूंगा, बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाता रहूंगा, बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट मैं आपके पास में लाता हूँ, और हर एक कॉन्टेंट प्रॉपर रिसर्च बेस्ड और बच्चों से डिस्कस किया हुआ और बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों इसको जमाया हुआ कॉन्टेंट मैं आपके सामने लाके पेश करता हूँ। तो इसको लाइक आपको जरूर करना है, वीडियो को लाइक वीडियो को शेयर करना है लोगों तक, चैनल को सब्सक्राइब करना है विद घंटी, ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहे। मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि आपको अगर मान लीजिए कि एग्जाम की प्रैक्टिस किस प्रकार के क्वेश्चंस की करनी है और कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बना रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पे आके चेक कर सकते हो हमारे टेलीग्राम हमारे चैनल के ऊपर। और टेलीग्राम को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट मिलेगा। तो बच्चों फटाफट से आके ज्वाइन कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच। आते रहिए, सीखते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।